ओम शांति। हम वरदान का मंथन कर रहे हैं। आज है 53वां वरदान, कर्म और संबंध। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, दोनों में स्वार्थ भाव से क्या रहने वाले, मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत। बाप समान बनो और कर्मातीत बनो, कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से हो स्वार्थ संबंध। आप बच्चों को की सेवा सबको मुक्त बनाना बनाने की है। आपकी सेवा क्या है? सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को भी मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। दूसरों को मुक्त बना रहे हो पर तो खुद जो है ना क्या बन जाओ, बंधन में आ जाओ, ऐसे नहीं। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब हद के मेरे से क्या होंगे, मुक्त। समझ में आई ये लाइन? हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति को क्या कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, सूक्ष्म स्थिति। तो अभी सूक्ष्म वतनवासी हो, जब आप हद के मेरे से मुक्त हो, नहीं मुक्त हैं तो फंसे पड़े हो, मतलब कोई भी मेरा नहीं, सब एक समान, तभी मतलब अव्यक्त स्थिति में जा सकते हैं ना। मतलब ये मतलब अव्यक्त स्थिति, न्यारे बनेंगे तभी प्यारे बनेंगे। और जब अव्यक्त स्थिति और सूक्ष्म स्थिति और परम अवस्था में क्या अंतर है? अव्यक्त स्थिति को हम समझ गए, न्यारे और प्यारे, और परम स्थिति में न्यारे और प्यारे हमें समझ में आ गया। तो परम अवस्था में क्या होता है? वहां न्यारा प्यारा भी नहीं होता, संकल्प ही नहीं, संकल्प ही नहीं। यहाँ संकल्प तो है ना, तो बाबा भी जब आते हैं संकल्प की दुनिया में तो संकल्प तो है ना, न्यारा प्यारा बनते हैं, ये संकल्प तो है ना कि मैंने ज्ञान सुनाना है, ये संकल्प तो है ना। परंतु बाबा को वो संकल्प भी नहीं करना पड़ता। बाबा कहते मुझे ये संकल्प भी नहीं करना पड़ता, परंतु ये संकल्प हैं तभी तो वो परम अवस्था से निकल कर आते हैं। परंतु बहुत ही जल्दी, हाँ, जब परम अवस्था में चले जाएंगे फिर वो देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे। तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, लौकिक भी और अलौकिक भी, और कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक कर, जो बच्चे लौकिक और अलौकिक, कर्म और संबंध, कर्म भी और संबंध भी दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त,
कर्मातीत्व कर्म से परे, कर्म कर्मातीत कर्म से दूर है ना, मतलब कर्म करते ही नहीं। वास्तव में कर्मातीत अवस्था तो परम धाम में होती है ना। यहाँ तो केवल हम कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, क्योंकि अव्यक्त स्थिति है जहां मेरा कोई नहीं, सब बराबर है। वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जो अब बनेंगे बिना न्यारे और प्यारे बने। तो चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने। हाँ, कर्म के प्रभाव से परे, ठीक है ना, प्रभाव से उसका प्रभाव ना हो, भी बहुत अच्छा हो गया तो खुश हो गए या बुरा हुआ तो दुखी हो गए, इस प्रभाव से। ये प्रयास है, ये स्टेज नहीं है, ये कर्मातीत अवस्था नहीं है, ये कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने का रास्ता है। धीरे धीरे हम, हाँ, फिर शरीर में नहीं रहे। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता, कोई पुराना स्वभाव संस्कार हो जो हमें फिर मजबूर कर दे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।